सास किचन। तो लीजिए आज आ गई एक और नई रेसिपी। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे आज हम। ये हम मूंग की दाल से बनाएंगे। ये रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इसे लंच में, नाश्ते में, किसी में भी खा सकते हैं और टिफिन में भी लगा सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ये मैंने मूंग की दाल ली है। अच्छा, मूंग की दाल मैंने छिलके वाली लिया है क्योंकि मुझे छिलके वाली मूंग की दाल का कोई भी चीज़ हो, चाहे मंगौड़ा हो या कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तो मुझे मूंग की छिलके वाली दाल से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तो ये मैंने दाल लिया है, इसको मैंने भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से भीग गई है। ये देखिए, वैसे मूंग की दाल बहुत जल्दी भीग जाती है, इसे 2 घंटा या 1 ही घंटे में अच्छे से भीग जाती है। तो सबसे पहले इस दाल को हम पीसेंगे। तो इसके लिए हम ये जार लेंगे और इसमें डालेंगे। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पीसेंगे और इसका एक बढ़िया फाइन बैटर बना के तैयार करेंगे। ये मैंने इतनी दाल डाल लिया है और इसी में हम ये अदरक डाल देंगे। तो अदरक को हम किस के डालेंगे ताकि अच्छे से पिस जाए। आप ऐसे भी किस के डाल सकती हैं बैटर में, लेकिन हम इसको पीसेंगे इसी के साथ में। और ये मैंने 5 हरे मिर्च लिए हैं, ये हम काट काट के इसी में डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो ये अच्छे से पिस जाएगी। आप चाहें तो इसे बारीक काट के बैटर में भी डाल सकती हैं, लेकिन हम बच्चे हैं ना तो मिर्च कम खाते हैं, निकाल निकाल के रख देते हैं, इसलिए हम इनको काट के इसी में पीस लेंगे। और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है और काफ़ी बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हुआ, एकदम स्मूथ पेस्ट। हमें इसी तरह का पेस्ट चाहिए। तो इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, जितना पेस्ट है। हमने इसमें पानी डाला है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जब वीडियो बना रही थी तो पानी नहीं डालते दिखाया है। बिना पानी के इसको न पीसें, थोड़ा ये सा ये इस तरह का बैटर, और इससे हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसको थोड़ा सा गीला ही चाहिए बैटर, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो और हम सारी दाल पीस के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारी दाल पीस लिया है और दाल बहुत अच्छी पीसी है, जिस तरह की हमें चाहिए उसी तरह की दाल पीसी है। तो अब इसमें हम सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में आपके पास जो भी सब्जी वो डाल सकती हैं, जैसे कि शिमला है, बारीक काट के गाजर है, पत्ता गोभी है, सारी सी जो भी सब्जियां आपके पास वो डाल लें। फिलहाल मेरे पास तो टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, यही अभी डाल रहे हैं। तो इसमें ये टमाटर जाएगा और इसमें जो भी सब्जियां आपको ना पसंद हो वो आप मत डालिए। हम कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं जैसे उत्पम वगैरह है, सूजी के उत्पम बनते हैं, तो अगर हम प्याज ही अकेले डाल देते हैं तो भी हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और इसमें नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, बढ़िया कलर आएगा। मैंने 5 हरी मिर्च पीस लिया था, इसलिए मैं मिर्च बहुत कम डालूंगी। जीरा डाल देते हैं और इसमें स्वादानुसार नमक, बस। और इसमें कुछ नहीं जाएगा और बढ़िया से इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, लेकिन ये हमें अभी गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, अगर पतला हो गया तो हमारे जो रेसिपी है हमारी वो अच्छी नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं मूंगलेट बनाने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को सस्पेंस में रखा। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है और इधर हमारा तवा भी गर्म हो रहा है, तो हम इस बैटर में इनो डालेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा बैटर जैसे हम एकदम से डाल देंगे तो जब तक हमारा एक मूंगलेट बनेगा तब तक उसका असर खत्म हो जाएगा। तो मैं जितने बनाते जाऊंगी उसी में डालते जाऊंगी। तो इसके लिए हम बैटर को थोड़ा सा अलग करते हैं। तो मैंने ये मग लिया है, इसमें हम एक एक मूंगलेट का बैटर बनाएंगे तो इसमें उतनी ही दाल हम ट्रांसफ़र कर लेंगे।
ये देखिए इतनी दाल मैंने ट्रांसफर कर ली और इधर गैस को हम स्लो कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा ये इनो डालेंगे। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप इसमें सोडा, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। हल्का सा पानी डालेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे अच्छे से। इससे ये बढ़िया फ्लफी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इधर हमारा तवा तो गर्म हो गया है तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। आप ये मूंगलेट अगर फ्राई पैन में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि तवा जो होता है ना, जब हम कोई भी बैटर डालते हैं तो किनारे से वो बीच में ज़्यादा आ जाता है तो बीच में मोटा हो जाता है, तो इसलिए आप फ्राई पैन में बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है और वो भी नॉन स्टिक में। तो ये देखिए मैं इतने में डालूँगी इसको और अब हम अपना ये बैटर डाल देते हैं। गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है। और इसको हल्का सा फैला देंगे, ये पतला नहीं बनता है, थोड़ा सा मोटा ही रहता है। तो इसको हम इस तरह से फैला देंगे और अब इसको हम ढक देंगे किसी प्लेट से। तो मैं इसको इस प्लेट से ढक दूंगी और इसको कम से कम 3 मिनट तक पकने देंगे धीमी आंच में। 3 मिनट हो गए हैं, हम ऑमलेट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर से कितना बढ़िया सिक के तैयार हो गया है। तो हम थोड़ा सा तेल इसमें ऊपर से लगा देंगे हल्के हाथों से, ताकि ये रूखा रूखा ना लगे खाने में। और अब इसको पलट देते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसको हम थोड़ा सा तेल और लगा देंगे, क्योंकि मैंने ऐसे तवा में चुपट दिया था तेल। अगर हम गहरे फ्राई पैन में बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल उसमें ज़्यादा डाल देते हैं। तो इसको भी ढक देंगे फिर से हम ये, और इसको 3-4 मिनट तक सिकने देते हैं फिर से। 3 मिनट हो चुके हैं, मिनट अपना चेक कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा पलट देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ये पक गए। तो इसमें अब हम थोड़ा सा चाकू से इसमें छेद छेद कर देंगे, ताकि ये अंदर तक बढ़िया से पक जाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए मैंने छेद छेद कर दिया है और इसमें हल्का सा तेल और लगा देंगे। आपकी इच्छा हो तो लगाएं, इच्छा हो ना, इच्छा हो तो ना लगाएं। और इसको पलट देंगे। तो इसको उलट पलट के इस तरह से बढ़िया सिक भी जाए। वैसे अंदर तक पक गया है, लेकिन कलर आने के लिए और अच्छा कलर आ जाए इसके लिए मैं उलट पलट के 1-2 मिनट और सेक लूंगी इसको। तो ये देखिए मेरा मूंगलेट सिक के तैयार हो गया। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम एक और डाल देते हैं। इसमें हम इनो डाल देंगे। तो हमें ये प्रक्रिया बार बार ऐसी करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि अगर हम नहीं करते हैं, एक साथ डाल देते हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, तो मूंगलेट हमारे फूलेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग अगर एक बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मिक्स कर लिया और इसमें डालते हैं तेल और इसको फटाफट इसमें डाल देते हैं। तो ये भी मैंने डाल दिया और इसको भी ढक देंगे। ये हमारे 4 मूंगलेट बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं, बाकी के हम बाद में बनाएंगे। तो इन सबको रखते हैं एक थाली में। और ये हमारी हरी धनिया और टमाटर की चटनी है। आप इसे सॉस के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, या हरी धनिया की चटनी के साथ, धनिया पुदीना की चटनी के साथ खा सकते हैं, आलू टमाटर सब्जी के साथ खा सकते हैं। और ये मूंगलेट बहुत अच्छे बने हैं और ये देखिए इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही है और एकदम बढ़िया फ्लफी बने हैं। तो मैंने एक इनो का पाउच लिया था, उसमें मैंने 4 ये बनाए हैं। और अभी हमारी दाल भी बची है और यहाँ तक अभी हमारा इनो बचा हुआ है। और ये देखिए दाल इतनी बची हुई है, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो ये हमारे मूंगलेट बनके तैयार हो गए हैं। बहुत आसान रेसिपी है और खाने में इतनी टेस्टी है और ये फायदा बहुत करती है, क्योंकि ये मैंने मूंग की दाल का बनाया हुआ है। और ये देखिए अगर हम इसको तोड़ के दिखाएं तो कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। सब्जियां जो भी पड़ी हैं बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसको हम हरी धनिया की चटनी के साथ, चटनी हमारी टमाटर की है, हरी धनिया और टमाटर की,
ये लीजिए, अब आप भी बनाइए और खाइए और बताइए हमारे मूंगलेट कैसे बने हैं। अच्छे बने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।